गाइस, तो दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में मैं देखने वाली हूँ केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर को। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा करके कोई मूवी है जिसका ट्रेलर आया हुआ है केजीएफ करके। बट गाइस, मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि पायल जोन केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर आया है, प्लीज उसके ऊपर अपने रिएक्शन दो, अपने ओपिनियन दो, हम जानना चाहते हैं कि आप उस मूवी को लेकर क्या सोचते हो। तो गाइस, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैंने वैसे बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, वरना ट्रेलर कल ही आ गया था। वीडियो बनाना होता तो मैं कल ही बना देती, बट मुझे फिर बोला गया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई लोगों का कहना तो मानना ही पड़ता है। ठीक है, सो गाइस वही ट्रेलर मैं देखने वाली हूँ। वैसे तो गाइस, मुझे जब से पता चला है कि केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर आया है, तो मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है उसको ट्रेलर को सुनते ही। मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं तो इसका जो चैप्टर 1 आया था उसका ट्रेलर मैंने देखा भी नहीं था, और मेरे हिसाब से मैं कभी देख भी नहीं पाती यार। पता नहीं क्यों लोग पगलाए जा रहे हैं, बट गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आती है जैसे ही मुझे पता चलता है कि इसका ट्रेलर आया है। मूवी भी आने लग गई है, चैप्टर जो 1 था उसकी तो मूवी भी आती है अब टीवी वगैरह पे, बट मेरे से वो भी देखी नहीं जाती। 2 मिनट से ज्यादा मैं उस कमरे में बैठ नहीं सकती जिसमें कि ये टीवी पे चल रही होती है मूवी। पता नहीं बहुत अजीब लगता है यार, पूरे टाइम लड़ाई मारकाट और ये सब चीजें नहीं देखी जाती यार, कुछ और भी तो डालो मूवी में। मतलब सच में यार, मैंने थोड़े बहुत सीन देखे हैं चैप्टर जो 1 आया था उस मूवी के, जब टीवी पे आता था मेरा भाई देख रहा था तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ, तो बट उसमें पूरी में मार काट थी तो काफी ज्यादा मुझे अजीब लगा, इसलिए मैं वो मूवी नहीं देख पाई। बट अभी गाइज आप लोगों के कहने पे मेरे को इसका ट्रेलर देखना पड़ रहा है, सो यार मैंने यहाँ पे लीड लगा लिया। और गाइज अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है क्या नहीं, और कौन कौन से कलाकार है मुझे ये भी नहीं पता इस मूवी में। वैसे एक वो यश करके कोई लड़का है वो तो होगा ही, वो शायद मेन हीरो है, हाँ, क्योंकि वो पिछली बार भी था। बट हाँ, देखते हैं। केजीएफ में करुणा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? अभी थोड़े सेकंड हुए बट मैं फिर भी बोल रही हूँ। इन्होंने बोला केजीएफ 1 में करुणा को मारने के बाद क्या हुआ पढ़ेंगे, तो यार पढ़ेंगे कैसे, आपने किताब थोड़ी लिखी, आप किताब लिखते केजीएफ 2 तो हम पढ़ लेते, इन्होंने तो ट्रेलर निकाला ना, मूवी निकाली तो हम देखेंगे। भाई ये क्या है भाई, थोड़ा ध्यान से तो यार बोलो तुम क्या बोल रहे हो। पता खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है, मैंने कहा था पिछली मूवी में जो मैंने थोड़े बहुत सीन देखे थे उसमें भी वही था। अभी यहाँ 22 सेकंड का हो गया, 2 मिनट का पूरा ट्रेलर है, 3 मिनट का अभी भी जो भी आ रहा है, लड़ाई मार काट खून खराबा बस वही चल रहा है यार, मैं क्या बोलूं। तो फिर से खून ही मांगेगी, क्या लिखा है होमब्ले फिल्म्स, क्या ये पता नहीं। There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है। इसमें रवीना टंडन भी है, मतलब ये क्या था, ये मूवी मद्रासी है या ये मूवी हिंदी है, कोई मुझे ये बता दो। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि ये मूवी है कौन सी, भाई एक हिंदी टॉलीवुड की है या बॉलीवुड की है, मुझे कमेंट करके बता देना। क्योंकि इसमें मैंने शायद जो पिछला मूवी आया था केजीएफ चैप्टर 1 उसमें तो मैंने सुना था कि ये कोई मद्रासी मूवी है, लेकिन यहाँ पे जो कलाकार दिख रहे हैं वो रवीना टंडन मुझे दिखी, तो क्या पता हिंदी मूवी हो, या फिर ये क्या चल रहा है यार, मतलब क्या हो रहा है। घुस के मारेंगे, तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की। तो ये कह रहे कि लड़ाई करना तबाही नहीं तरक्की होती है, तो वही जब इनकी सोच ही ऐसी है, मूवी में भी इन्होंने दिखा दिया हमारी सोच क्या है, तो फिर तो मूवी में यही होगा ना, मारकाट के अलावा क्या ही होगा। की होती है उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। मतलब बॉलीवुड के कलाकार अब शायद मद्रासी मूवी में जाने लग गए हैं क्योंकि ये मद्रासी मूवी है, तो ये क्या हो रहा है यार, तुम अपने कलाकार को यहाँ भेज रहे हो बॉलीवुड में, बॉलीवुड के टॉलीवुड में जाते हो, एक्सचेंज क्यों कर रहे हो यार, मतलब जो तुम्हारे कलाकार है वो इतने अच्छे उनके साथ बना लो पिक्चर। RRR भी शायद कोई मद्रासी मूवी थी उसमें आलिया भट्ट थी, क्या हो रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. से हीरो की एंट्री हो गई, 1:22 का कदम हो गया, अब आधे मतलब जब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ट्रेलर उसके बाद हीरो की एंट्री हो रही है। अब सोच लो भाई हीरो को कितनी अहमियत दी है, जब ट्रेलर में अहमियत नहीं दे रखी तो मूवी में क्या ही दे रखी। वाह
वायलेंस ही है आपकी पूरी मूवी में. क्यों बनाया है ये, क्यों बनाया? हम अपने आसपास देख लेते हैं वायलेंस होता हुआ, बच्चे लड़ रहे हैं, घर वाले दूसरों के लड़ रहे हैं, मूवी देखने की क्या जरूरत है? आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी. यार इनकी मूवीज में यही होता है, इनकी नहीं आजकल हर किसी की मूवी में यही होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा दो, गाड़ी में आग लग रही है VFX से वो दिखा दो और लोग बिल्कुल ऐसे पगला जाते हैं कि भाई बहुत सारे स्टंट आ गए हैं. मुझे ये चीज बहुत गलत लगती है यार, कुछ अच्छा बना लो यार. अगर तुम एक मूवी बना रहे हो उसमें सिर्फ तुम मार काट ही दिखा रहे हो तो और बाकी चीजें कहाँ है? ड्रामा, कोई लव स्टोरी, थोड़ा रोमांस, ये चीजें भी तो होनी चाहिए. कुछ नहीं है यार पूरी मूवी. I can't avoid. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी. इसमें जो विलेन है वो बने हैं संजय दत्त और शायद रवीना टंडन भी विलेन है. कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपने KGF लेने. मतलब KGF कोई लड़की है या फिर KGF कोई सामान है, मुझे तो यही नहीं पता. KGF गाड़ी क्या है भाई, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे तो यही नहीं पता KGF है. मेरे दोस्त लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार. बस अभी तक देखो यार, दो मिनट 12 सेकंड का हो गया है, बट इसमें जो मैंने अब तक सुना है वो बहुत ही ज्यादा लड़ाई है और थोड़ी बहुत डायलॉग्स है. तो डायलॉग्स लिखने में आई थिंक थोड़ा बहुत इनको मेहनत लगा होगा, अदरवाइज कुछ और मूवी में है नहीं. थोड़े बहुत डायलॉग्स जो कि भाई अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा दिखाने के लिए ऐसे डायलॉग डाले गए हैं और VFX डाला गया है खूब सारा और भाई लड़ाई डाली गई है और कुछ डाला ही नहीं गया पूरी मूवी के अंदर. तलवार नहीं, बिजनेस करेंगे. ऑफर क्लोजेस सून. पता नहीं शायद दो देशों की लड़ाई हो रही है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरी मूवी में मिलिट्री ही दिखाई दे रही है. क्या चल रहा है? माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ. अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना. हिंदी में डबिंग करी है ना तो ऐसा लग रहा है मद्रासी मूवी है और उसको हिंदी में डब किया गया है. यार क्यों किया यार, नहीं थी जरूरत हमें हिंदी में देखने की, अभी देखने की जरूरत नहीं थी, मद्रासी में ही बना लेते यार, बाद में डब कर देते कभी. हिंदी में ट्रेलर लॉन्च कर दिया, मद्रासी मूवी तो मद्रासी में करो ना यार. इधर लास्ट में थोड़े बहुत क्रेडिट दिए गए हैं, चलो अच्छा है यार. क्रेडिट मुझे कोई देता है ना, मतलब लोगों को अपनी मूवी में जैसे क्रेडिट देते हैं कि सबने क्या क्या रोल किया, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट सबको पूरा महत्व दिया गया है, तो वो चीज़ अच्छी लगी. पूरी मूवी का ट्रेलर खत्म हो गया तो एंड में मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई इन्होंने सबको ऐसे मतलब दे रखा है क्रेडिट. अदरवाइज तो मूवी में गाइस मुझे कुछ दिखा नहीं, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही बट मुझे कुछ भी नहीं लगा. और क्यों लोग इतने पागल हो रहे हैं मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है, क्या है इसमें यार? मुझे कमेंट में बता दो क्या तुम्हें अच्छा लगा. ये ना उन्हीं लोगों को अच्छा लग सकता है जिनको पूरे टाइम लड़ाई झगड़ा करना पसंद हो, लड़ाई झगड़ा देखना पसंद हो, उन्हीं को ये मूवी पसंद आ सकती है, क्योंकि पूरी मूवी में यही है और कुछ है ही नहीं. अगर आप मूवी बना रहे हो 3 घंटे की, यार 3 घंटे तक सिर्फ लड़ाई करोगे क्या? 3 घंटे तक सिर्फ आग ही लगाओगे क्या? पूरी मूवी में आग लगी हुई थी हर जगह, तो बस वही करोगे यार? मतलब कुछ और भी तो करो यार, थोड़ा लव स्टोरी, ड्रामा, रोमांस, रोना धोना कुछ तो होना चाहिए, थोड़ी कॉमेडी होनी चाहिए. इसमें कुछ भी नहीं था, कॉमेडी का तो सी भी नहीं था इसमें. सीरियसली यार, कोई कितना डम हो सकता है? पूरी मूवी में लड़ाई दिखा रहे हैं भाई साहब, मैं क्या बोलूं. बट गाइस मुझे काफी खराब लगा और मैं गाइस आशा करूंगी कि ये लोग आगे से इस तरीके की हरकत ना करें. अब इन्होंने 2 बार तो KGF निकाल दी, अब 3 ना निकाल दे, ठीक है? ये 2 देखने के बाद तो मेरे कानों से खून आने लग गया, 3 देखूंगी तो गाइस मैं तो शायद मैं मतलब मेरी मौत भी हो सकती है ऐसा ट्रेलर ये निकालेंगे तो. तो वाली एक बात है. और भाई मतलब लोग बोल भी रहे थे हम तो देखने जाएंगे KGF 2 मूवी आएगी, तो क्या बोलूं भाई, जाओ तुम देखने, वरना भाई मैं तो कभी नहीं जाऊंगी भाई. हाथ जुड़वा लो, ट्रेलर देख के तो ये हाल हो गया, कान से खून आ गया. सीरियसली मूवी देखूंगी तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है? तो भाई मैं तो नहीं देखने जा रही, मुझे काफ़ी ख़राब लगा. और बस यही कहूंगी यार, कुछ और भी कर लो ना जिंदगी में. लड़ाई झगड़ा तो वैसे भी बहुत हो रहा है समाज में, देश दुनिया में,
है ना, पाकिस्तान भारत से लड़ रहा है और यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा लड़ाई है पहले ही दुनिया में, तुम कुछ अलग कर लो, बट यहाँ पे भी लड़ाई थी। तो काफी बुरा लगा गाइज मुझे ये ट्रेलर देख के, मुझे मेरा दिल भी टूट गया कि लोग वैसे बिना बात के पगलाए जाते किसी चीज के लिए, मेरी वीडियो के लिए ही लोग नहीं पगलाते हैं बस, तो मुझे काफी दुख हुआ। बट गाइज इट्स ओके, कोई बात नहीं है, अब लोगों को रोक तो नहीं सकते ना, अब जिसकी जैसी सोच, अब हम क्या कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच।